दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हीकल पर HP एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से व्हीकल रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, तो आप अपना जीमेल अकाउंट साइन इन कर लीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। दोस्तों बात करें व्हीकल रिलेटेड वीडियो की, तो अभी तक मैंने 65 वीडियो अपलोड कर रखी है व्हीकल रिलेटेड। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने व्हीकल पर HP एडिशन के लिए किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिए परिवहन सेवा। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आते हैं, इसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। तो आपको ये जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट का, तो इस पर क्लिक कीजिए। अदर स्टेट का है तो इस पर क्लिक कीजिए। और जब आप दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट पर क्लिक करोगे तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन का मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। इसमें फुल नेम डालिए, उसके बाद ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद स्टेट चूज कर लीजिए। दिल्ली स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, सिक्किम स्टेट का, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा वर्ड डालिए, और उसके बाद रजिस्टर पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। उसको डालने के बाद पासवर्ड सेट करना होगा आपको। पासवर्ड आपको किस तरीके से किस फॉर्मेट में करना है वो भी मैं आपको बता दें। जैसे अगर आपका नाम अमित है और ईयर है आपकी बर्थ ईयर है 1990 की, तो शुरू का जो ए है आपका वो कैपिटल में होना चाहिए, और बाकी का MIT ये स्मॉल में होना चाहिए, और 1990 मैं आपको नोट पैड में दिखा दे, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको MIT और उसके बाद 1990। इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद रीएंटर करना है, रिकन्फर्म करना है पासवर्ड, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड बन जाए तो लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आप यूजर आईडी जो आपने ईमेल आईडी डाली है इसमें रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वही आपकी यूजर आईडी इसमें रहेगी, तो उसको ईमेल आईडी को इसमें डाल दीजिएगा अपनी को। उसके बाद पासवर्ड डालिए, उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, और जब आप लॉगिन कर लोगे इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको अपना कर्सर इस पर ले जाना ऑनलाइन सर्विस पे, और उसके बाद इस पर क्लिक करना है। अब इसमें आप किस किस के लिए आप कर सकते हो, ट्रांसफ़र ऑनरशिप कर सकते हो, HP टर्मिनेट कर सकते हो, HP एडिशन कर सकते हो, हाइपोथेकेशन ऐड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, डुप्लीकेट RC भी इसमें आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप मोबाइल रजिस्टर करना चाहते हो तो आप इस पर हाँ अदर सर्विसेज पे कर्सर ले जाना, और अपडेट यूजर मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। आपको अपनी वोटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और इंजन नंबर और चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट डालनी है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद जैसे कंफर्म पर क्लिक करोगे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, उसको डालने में जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद या चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज करना चाहते हो। और उसके बाद यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके आप HP एडिशन कर सकते हो। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो, HP टर्मिनेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, RC डुप्लीकेट के लिए कर सकते हो, वो इसमें ये ऑप्शन है, आप इनमें कर सकते हो, ठीक है ना। और NOC के लिए इस पर क्लिक करके NOC के लिए कर सकते हो। ये तो बात होगी दोस्तों दिल्ली स्टेट की, ठीक है, दिल्ली एंड सिक्किम स्टेट की। अब बात कर लेते हैं हम अदर स्टेट की। अदर स्टेट में जैसे कि हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया झारखंड, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया बिहार, हो गया चंडीगढ़, हो गया हरियाणा, हो गया पंजाब, हो गया हिमाचल, हो गया और भी जितने भी स्टेट है, इस पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप इस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो इसमें यहाँ पर डाल दीजिएगा आप,
और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे यहाँ पे तो इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद अब दोस्तों आप HP एडिशन के दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, दूसरा जब यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। जैसे कर्सर यहाँ पे ले जाओगे ना इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो, या न्यू मोबाइल रजिस्टर करना चाहते हो तो इस पर मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करके नया मोबाइल रजिस्टर कर सकते हो। इसमें भी यही है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ऑलरेडी डला हुआ होगा और आपको चेसिस नंबर और इंजन नंबर कंप्लीट डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। और जैसे मोबाइल नंबर डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करोगे तो जो आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर OTP जाएगा, वो OTP डाल के आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि आप मोबाइल नंबर किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आप बेसिक सर्विसेज इस पर क्लिक करना है। इसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कर सकते हो, चेंज एड्रेस कर सकते हो, हाँ HP एडिशन कंटिन्यू टर्मिनेट कर सकते हो, डुप्लीकेट RC के लिए यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिटनेस के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं इस वीडियो में HP एडिशन की ऐड करने की, तो HP ऐड के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट डालनी है आपको यहाँ पे और वैलिडेट रजिस्ट्रेशन स्लैश चेसिस नंबर पर क्लिक करना है। और ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया है, यानी कि हमने 5 डिजिट का चेसिस नंबर डाल दिया। उसके बाद वैलिडेट रजिस्ट्रेशन में चेसिस नंबर पर क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा और वो OTP 4 डिजिट के यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्लिक करना है एडिशन ऑफ HP पर, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइपोथेकेशन पे। और जो बाकी के दोस्तों ये भी है, जैसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है और HP टर्मिनेशन, डुप्लीकेट RC, एड्रेस चेंज, ये सब के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखे, आप उनको देख सकते हो, ठीक है ना। इस पर क्लिक कीजिए HP एडिशन पे। जब आप HP एडिशन पे क्लिक करोगे एडिशन ऑफ हाइपोथेकेशन पे तो इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको ये जो प्लस का साइन है ना इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करोगे आप इसमें हाइपोथेकेशन टाइप में हाइपोथेकेशन चूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसर नेम, इसमें फाइनेंसर नाम डाल दीजिएगा जो भी आपके डॉक्यूमेंटों पे है। अगर आपका बैंक है तो आप बैंक डाल दीजिए इसमें, और अगर फाइनेंसर है तो फाइनेंसर नाम डाल दीजिए इसमें। उसके बाद कब से आपने इशू कराया है वो डेट डाल दीजिए, उस जो आपको फॉर्म मिला है उस फॉर्म पे डेट होगी वो, तो वो डेट इसमें डाल दीजिए। कब से स्टार्ट हो रहा है आपका फाइनेंस, जो लोन है कब से स्टार्ट हो रहा है वो इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद फाइनेंसर एड्रेस, जो फाइनेंसर है चाहे जो बैंक है या जो या फिर फाइनेंसर है उसका एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी, ठीक है ना। इसमें जैसे इसमें हाउस नंबर डाल सकते हो आप इसमें, और उसके बाद सिटी इसमें डाल सकते हो। उसके बाद पुलिस स्टेशन इसमें डाल दीजिए, उसके बाद स्टेट चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद सेव पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद इसमें इंश्योरेंस टाइप आ गया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी आ गया, पॉलिसी नंबर आ गया, इंश्योरेंस कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक, यानी कब तक है, 2019 में स्टार्ट हुआ, 2020 में एक्सपायर हो गए, और डेट और मंथ मैंने छिपा रखी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो इसमें दोस्तों अब क्या है कि अगर आपका एक्सपायर नहीं हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिक डल के आ जाएगा। अगर एक्सपायर हो गया है आपका इंश्योरेंस तो आपको इसमें डालने की ज़रूरत होगी, नया इंश्योरेंस इशू करा लीजिएगा। अगर इशू करा लिया है तो उसकी डिटेल इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपकी वैलिडिटी बची हुई है इंश्योरेंस की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक भर के। जैसे इसकी वैलिडिटी बची हुई है तो ऑटोमेटिक भर के आ गया है इस इंश्योरेंस। बहुत से बंदे कमेंट कर रहे थे हमारी वीडियो के में,
बोल रहे थे कि सर हमारा जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक भर के आ रहा है, तो हम नया इंश्योरेंस नंबर और डिटेल्स नहीं डाल पा रहे हैं, तो उनको कैसे डालें? तो उनको मैं यही बोलूँगा कि जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस विजिट करो तो उनको इसके बारे में बताइए, तो वो अपडेट कर देंगे नया इंश्योरेंस, ठीक है ना? और उसके बाद ये हो गया, और इसमें एचपी एडिशन, हाइपोथेकेशन एडिशन इसमें आ गया है, 1500 रुपये चार्ज जा रहा है इसमें। और उसके बाद हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो इसमें एचपी टाइप हो गया, डेट का कब से स्टार्ट हो रहा है, 14 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो रहा है जो लोन है। उसके बाद फाइनेंसर नाम इसमें हो गया, एड्रेस इसमें आ गया। उसके बाद कंफर्म डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म डिटेल पर क्लिक करते हैं, पेमेंट के लिए पेज ओपन होकर आ जाता है। इसमें SBI चूज कर लीजिएगा, ये बस पेमेंट गेटवे के लिए है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना? ये बस पेमेंट गेटवे, इसके थ्रू आप कर सकते हो। और उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें पेमेंट के दो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग में भी दो ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो, अदर बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद कार्ड पेमेंट, कार्ड पेमेंट स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, अदर बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो क्लिक यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? अब मैं जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद कंफर्म दोबारा इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये पेज ओपन होके आता है। अब इसमें मैं कार्ड नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद एक्सपायरी मंथ इसमें डाल देता हूँ, ईयर इसमें डाल देता हूँ, कार्ड होल्डर नाम इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना? कि जो आप कार्ड डाल जो आपने कार्ड की डिटेल जिनकी एंटर की है उनका नाम इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना, जिनके नाम पे कार्ड है वो। उसके बाद CVV कोड, CVV कोड जो आप कार्ड यूज़ कर रहे हो, इनकी डिटेल आपने डाली है, कार्ड नंबर डाला है, उसके पीछे कार्ड के पीछे ही होता है 3 डिजिट का CVV कोड, उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको देख के आप देख सकते हो कौन सा CVV कोड है। वो CVV 3 डिजिट का इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है जो भी आपके सामने आ रहा है वो चेंज होता रहता है, तो वो इसमें डालने के बाद पेपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही पेपर क्लिक करोगे तो इसमें दो ऑप्शन है, ओटीपी तब जाता है अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है, और अगर आपने पासवर्ड सेट कर रखा है तो डायरेक्ट पासवर्ड डालिए और प्रोसीड सबमिट पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड सेट नहीं किया है तो ओटीपी जाएगा उस नंबर पे जिस नंबर पे क्रेडिट जिस नंबर पे भी कार्ड है, अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते तो जिस नंबर क्रेडिट कार्ड लिंक है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो इसमें डाल दीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो पेमेंट इसमें दिख जाएगा, पेमेंट डन सक्सेसफुली, ठीक है? पेमेंट अगर कट जाएगी तो सक्सेसफुली डन दिखा देगा, नहीं कटेगी तो फेलियर दिखा देगा, ठीक है? अब इसमें कह रहा है कि 10 सेकेंड वेट कर लीजिए, अदरवाइज क्लिक हेयर पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें एप्लीकेशन नंबर है, रिसिप्ट डेट है, व्हीकल क्लास, ये सब डिटेल्स इसमें आ गई है, ठीक है? ये ई पेमेंट रिसिप्ट है, ई फीस रिसिप्ट है, HP एडिशन की, तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। इसको प्रिंट करने के बाद आपको प्रिंट करना है फार्म 34, ठीक है? 3 कॉपी प्रिंट करनी है आपको फार्म 34 की, और इसकी ये जो पेमेंट रिसिप्ट है इसकी 2 कॉपी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप यानी सबमिट कर देते हैं, मैं आपको चलो डॉक्यूमेंट भी बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जानी है। एक तो ये पेमेंट रिसिप्ट ले जानी है आपको, तो है दोस्तों ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाना है आपको। सेकंड है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है। थर्ड है फाइनेंसर के थ्रू जो आपको लेटर मिला है HP एडिशन का, वो आपको ले जाना है। फोर्थ दोस्तों व्हीकल ओनर जो है उसका एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है। फिफ्थ है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है आपका, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है। ये डॉक्यूमेंट आपको ले जानी है, और फार्म 34 की 3 कॉपी आपको प्रिंट कर लेनी है। और फार्म 34 में जो भी है फाइनेंसर के साइन आपको करवा लेने हैं, ओनर के साइन कर लेने हैं, और एड्रेस वगैरह वो लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना? 3 कॉपी ले जानी है। दो इसमें फार्म 34 में 2 पेज होंगे,
और दोनों पेजों की तीन तीन कॉपी आपको ले जानी है। और पेमेंट रिसिप्ट को मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ये पेमेंट रिसिप्ट भी प्रिंट करके ले जानी, दो कॉपी ले जाइएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाने होंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिस। और जब आप इनको सबमिट कर दोगे और उसके बाद अगर स्टेटस देखोगे, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि आप अपने व्हीकल की एप्लीकेशन स्टेटस किस तरीके से देख सकते हो ऑनलाइन, वो आप देख सकते हो। चलो मैं बता ही देता हूँ आप किस तरीके से देख सकते हो। आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आप ले जाओगे कर्सर, उसके बाद आपको क्लिक यहाँ पे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपकी जो एप्लीकेशन व्हीकल की एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है ना। उम्मीद दोस्तों ये आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है कोई चीज़, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और अगर रिप्लाई नहीं किया तो मैं सारा कंपाइलेशन जितने भी कमेंट हैं उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।